हेलो टीचर्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि गूगल फॉर्म से गूगल क्लासरूम में बच्चों के मार्क्स हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो अब मार्क्स इंपोर्ट होने के बाद थोड़ा क्लासरूम में हम देखते हैं। तो ऑलरेडी मैं क्लासरूम में ही हूँ अपने, और बायोटेक क्लासरूम में हम चले। यहाँ से ये पहला असाइनमेंट था जो हम यूज़ में ले रहे थे फ़िलहाल सब कुछ सीखने के लिए। तो इसमें टर्न्ड इन 7 बच्चे थे और उनके मार्क्स हम क्लासरूम में सक्सेसफुली इंपोर्ट हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। अब आप ये देख रहे हैं कि इन मार्क्स के नीचे ड्राफ्ट लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इस ड्राफ्ट का क्या मतलब है, नोट कर लीजिएगा। जब भी ड्राफ्ट लिखा आता है मार्क्स के नीचे, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर मार्क्स हैं ये फाइनलाइज नहीं किए हैं आपने, मतलब बच्चों को ये मार्क्स आपने डिलीवर नहीं किए हैं। अभी तक बच्चों को नहीं पता है, आपने गूगल फॉर्म से मार्क्स रिलीज तो कर दिए, बच्चों को वहाँ से पता चल गया, लेकिन बच्चों को अपने क्लासरूम के अंदर उनके मार्क्स अभी नज़र नहीं आएंगे। क्यों नज़र नहीं आएंगे? क्योंकि आपने अभी केवल बच्चों के मार्क्स क्लासरूम में इंपोर्ट किए हैं, बच्चों को रिटर्न नहीं किए हैं। तो इस पर्टिकुलर और इस लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन मार्क्स को बच्चों को रिटर्न करेंगे। वी हैव ऑलरेडी रिलीज्ड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू गूगल फॉर्म, बट दीज मार्क्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दे हैव बीन डिलीवर्ड इनसाइड देयर ईमेल, इनसाइड देयर इनबॉक्स, बट till now they are not able to see their marks in their classroom. So what you have to do, the marks which you have imported from Google Form to Google Classroom, you have to return those marks to students through Google Classroom itself. तो अब आपको Google Classroom से भी बच्चों को marks क्या करने हैं, return करने हैं। मैंने आपको बताया था कि marks हमें बच्चों को दो बार भेजने होते हैं। पहले तो Google Form से हम भेज चुके हैं, release कर चुके हैं, उनके email में चल जा चुका है, और दूसरा Google Classroom से हम marks बच्चों को क्या कर रहे हैं, return कर रहे हैं। ओके, तो return करने के लिए क्या करेंगे, जिन बच्चों को marks आपने भेजने हैं, जैसे जिसको भी भेजने हैं उसको टिक कर लेंगे। फिलहाल 7 बच्चों को मैंने टिक कर लिया। इन 7 के 7 बच्चों को मार्क्स एक संग हम भेज रहे हैं। कैसे भेजेंगे, ऊपर देखेंगे तो ये रिटर्न का टैब आ रहा है यहाँ पे। इस रिटर्न के टैब पे क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक, ये बोलेगा रिटर्न वर्क टू 7 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल बी नोटिफाइड एंड कैन चेक एनी ग्रेड्स यू हैव लेफ्ट, स्कोर्स विल ऑल्सो बी रिलीज फॉर स्टूडेंट्स टू व्यू इन फॉर्म्स। तो जैसे ही आप रिटर्न करेंगे तो बच्चों को अपने क्लासरूम में अपने मार्क्स नजर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से रिटर्न पे क्लिक करना है, लिखा आ जाएगा रिटर्निंग और 7 सबमिशंस रिटर्नड। तो बच्चों को, 7 बच्चों को अपने मार्क्स क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो चुके हैं। अब देखिए, जैसे हमने मार्क्स रिटर्न किए तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, जो बच्चे यहाँ पर टर्न्ड इन में शो हो रहे थे, जिनके मार्क्स भी शो हो रहे थे अर्लियर, वो बच्चे अब कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, दे हैव बीन शिफ्टेड डाउनवर्ड्स इन दिस ग्रेडेड सेक्शन। वंस यू हैव रिटर्न्ड द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, दे हैव बीन शिफ्टेड टू व्हाट सेक्शन, ग्रेडेड। अब एक नया सेक्शन बन गया है यहाँ पे, ग्रेडेड। ओके, तो ये 7 के 7 बच्चे ग्रेडेड सेक्शन में आ गए, यानी इनके ग्रेड्स हमने फाइनलाइज कर दिए हैं और बच्चों को भी मिल चुके हैं। तो अगर हम अपने क्लासरूम के होम पेज पे जाएं, अगेन, और इस फर्स्ट असाइनमेंट को देखें, तो आप देखिए इसका इंटरफेस चेंज हो चुका है। टर्न्ड इन अब 0 हो गया है, असाइंड 21 है और ग्रेडेड 7 है, मतलब 21 बच्चों ने किया ही नहीं है, असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किया है, और 7 बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट भी कर लिया है, उनको मार्क्स भी मिल चुके हैं, गूगल क्लासरूम में उनके मार्क्स भी आ चुके हैं, यानी वो ग्रेडेड हो गए। तो 3 कैटेगरीज हो गई यहाँ पे, टर्न इन। अब जो फर्दर बच्चे इन 21 में से जो भी अब करेगा असाइनमेंट, भले ही लेट किया लेकिन सबमिट अगर करता है, तो वो किस में आएगा, टर्न इन में आएगा। फिर हम उसके मार्क्स इम्पोर्ट करेंगे वापस,
और इंपोर्ट करने के बाद रिटर्न करेंगे तो वो बच्चा भी किस में चला जाएगा, ग्रेडेड में चला जाएगा इस तरह से। तो यहां पर इस तरह से हम मार्क्स को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मार्क्स रिटर्न किए, हमारा असाइनमेंट ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि गूगल फॉर्म से हमने मार्क्स रिलीज किए, बच्चों को मिल गए, गूगल क्लासरूम से भी हम मार्क्स बच्चों को रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है दोनों जगह से मार्क्स रिटर्न करने की? तो देखिए, गूगल फॉर्म से जब हम मार्क्स रिलीज करते हैं तो वो मार्क्स उस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म के पास हैं। जैसे ये असाइनमेंट 23 एक फॉर्म है जो आपकी ड्राइव में है और उसमें उसी असाइनमेंट के मार्क्स फीड हैं। ठीक है, गूगल क्लासरूम से मार्क्स इंपोर्ट करने का और बच्चों को रिटर्न करने का फायदा क्या है? फायदा ये होता है कि यहां पर इस फायदे को देखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्राउजर में जो यहां पे ये जो थ्री डॉट्स हैं, इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और थ्री डॉट्स पे क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे डेस्कटॉप साइट, ये जो ऑप्शन है ना, इस डेस्कटॉप साइट ऑप्शन को टिक करना है। जैसे ही टिक करेंगे आपके मोबाइल का इंटरफेस चेंज हो जाएगा। मोबाइल को लैंडस्केप कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आपका क्लासरूम शो हो गया। अब इस क्लासरूम के इंटरफेस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो क्या चेंज हुआ है, पहले जो हम देख रहे थे तो यहाँ पे स्ट्रीम आ रहा था, क्लासवर्क आ रहा था और पीपल वाली टैब भी आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे एक और टैब ऐड हो गई, ग्रेड्स। तो ये ग्रेड्स की टैब कब आएगी, जब आप अपने क्लासरूम को डेस्कटॉप साइट के जरिए देखेंगे। डेस्कटॉप साइट मैंने कैसे इनेबल किया, थ्री डॉट पे मैंने क्लिक किया था, ये जो थ्री डॉट थे ना यहाँ पे क्लिक किया था और डेस्कटॉप साइट ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। तो अब गूगल क्लासरूम का क्या फायदा है, देखिए ग्रेड्स वाले टैब पे क्लिक करते हैं, जब ग्रेड्स मैंने टिक किया तो ये एक मैट्रिक्स खुल गई अपने सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप देखिए कि यहाँ पे सारे बच्चों के नाम आ रहे हैं, जो भी बच्चे हैं इस बायोटेक के क्लासरूम में सबके नाम आ गए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए असाइनमेंट 23 दिख रहा है यहाँ पे, क्लास टेस्ट 31 जुलाई 2020, उसके बाद असाइनमेंट 22, 21, 20, 19, 18, यानी जितने असाइनमेंट आप कंडक्ट करेंगे वो इस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। और कोई भी बच्चा, जैसे सपोज इस फर्स्ट आयुर्वेदिक थापा जो बच्चा, इसकी बात करते हैं, तो इसने देखो असाइनमेंट 23 में आउट ऑफ 10 लिखा आ रहा है, यहाँ पे कितने मार्क्स लिए हैं, 8 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, क्लास टेस्ट में कितने लिए हैं इसने, 30 में से 20 लिए हैं। तो इसने सक्सेसिवली असाइनमेंट्स में जितने नंबर लिए हैं वो सारे के सारे हमें एक कंपेरेटिव मैट्रिक्स की फॉर्म में शो हो गए हैं। आप देखिए इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये मोबाइल है, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा केयरफुल रहें। तो आयुर्वेदिक थापा के मार्क्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, कब इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई कब इंक्रीज हुई ये दिखा रहा है, क्लास एवरेज दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में क्लास का एवरेज क्या रहा, 9.14 है। ठीक है, असाइनमेंट 22 में क्या रहा, 8 एवरेज रहा है, जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनका एवरेज है ये सबका। जहाँ पे मिसिंग आ रहा है इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर बच्चे ने असाइनमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो पूरी मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे तो कहीं पर देखो इस तरह का नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि इस बच्चे के, ये बच्चा कौन सा है, दिस इज पराग, और असाइनमेंट 21 के जो, ये जो 21 है ना, इस असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स ये मार्क्स इम्पोर्ट नहीं हुए हैं,
पराग जो बच्चा है उसके असाइनमेंट 21 के मार्क्स इंपोर्ट नहीं हुए हैं, इसलिए ये खाली दिखा रहा है। इन द सेम वे नीचे देखते हैं थोड़ा सा, देखिए वंशिका के मार्क्स भी यहाँ इंपोर्ट नहीं हुए हैं, देखिए आप उसी असाइनमेंट के 21 के, हो सकता है इन्होंने बाद में किया होगा असाइनमेंट, इसलिए लिखा भी आ रहा है डन लेट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बच्चों के मार्क्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। तो अब इनको शो करवाने के लिए क्या करें, वापस डेस्कटॉप साइट को क्लोज करते हैं। डेस्कटॉप साइट आपको केवल तब ऑन करना है जब आपको ये पर्टिकुलर इंटरफेस देखना है ग्रेड्स वाला, ये केवल कौन सी साइट में आएगा, डेस्कटॉप साइट में। बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं मोबाइल में नॉर्मली। तो अब डेस्कटॉप साइट को क्लोज करते हैं क्योंकि इसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको क्लोज कर दिया मैंने। अब जब क्लोज किया तो ये वापस से अपने डिफॉल्ट व्यू में आ गया, मोबाइल साइट में, मोबाइल साइट में आए। अब वापस साइन आउट हो गया ये गलती से, इसको साइन इन करते हैं वापस। असाइनमेंट 21 के मार्क्स हमें लाने हैं, तो क्लासरूम में गए। अब असाइनमेंट कहाँ मिलेंगे सारे हमें, क्लासवर्क के अंदर 21 असाइनमेंट, तो 21 कहाँ है, ये रहा 21। ओके, इस पर क्लिक किया, अब देखिए तो टर्न इन दो हैं, तो एक तो पराग और वंशिका, उन्होंने लेट किया असाइनमेंट, तो उससे पहले मैं मार्क्स रिटर्न कर चुका था सबके, तो इन्होंने बाद में किया, तो अब इनके मार्क्स कैसे रिटर्न करेंगे, तो व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। आइए, तो ये देखिए पराग एंड वंशिका, क्या करें इनके मार्क्स पहले इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे, टर्न इन के राइट में मैंने आपको बताया था जो ये एरिया है, इस एरिया में कहीं भी क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन आ गया इंपोर्ट ग्रेड्स। तो लास्ट इंपोर्ट मैंने किया था जुलाई 29 को, उसके बाद इन्होंने किया है असाइनमेंट पराग ने और वंशिका ने, तो इनके मार्क्स अब क्या करते हैं, देखो 12 ग्रेडेड आ रहा है, मतलब 12 बच्चों के मार्क्स तो मैं ऑलरेडी रिटर्न कर चुका हूँ और दो बच्चे ये बाद में कर रहे हैं असाइनमेंट, तो इंपोर्ट ग्रेड किया। अब ये बोल रहा है कि आप क्या ग्रेड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया, इंपोर्टिंग हो गया सक्सेसफुल होगा, 14 of 28 ग्रेड सक्सेसफुली इंपोर्टेड एंड अपडेटेड। अब देखिए 12 तो ऑलरेडी ग्रेडेड थे और दो नए आ गए, तो टोटल कितने हो गए 14, तो 14 के 14 इंपोर्ट हुए दोबारा और अपडेट हो गए। ठीक है, तो अब जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये मार्क्स आ गए, देखिए पराग के मार्क्स आ गए और वंशिका के मार्क्स आ गए, लेकिन अभी ड्राफ्ट दिख रहा है। ड्राफ्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने इन मार्क्स को अभी क्या नहीं किया है, रिटर्न नहीं किया है। रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था टिक किया दोनों को और टॉप में रिटर्न की टैब आई और इनको रिटर्न कर दिया। वंस यू विल रिटर्न, अब ये जो दोनों हैं ये आप देखिए कि ग्रेडेड वाले पोर्शन में चले गए। ठीक है, मैंने इनके मार्क्स रिटर्न हो गए। अब वापस से हम देखेंगे इनको उसी मैट्रिक्स के अंदर, वो मैट्रिक्स कैसे आएगी, डेस्कटॉप साइट से, डेस्कटॉप साइट। ठीक है, डेस्कटॉप साइट किया, लैंडस्केप किया, ग्रेड्स में गए, ग्रेड्स के अंदर ये मैट्रिक्स आ गई, अगेन असाइनमेंट 21 ये है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अब पराग के मार्क्स देखते हैं, ये देखिए पराग 6 मार्क्स आ गए इसके, हो गए अपडेट। और वंशिका के देख लेते हैं, ये देखिए वंशिका के 8 मार्क्स अपडेट हो गए, तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट हो गए। तो इस तरह से आप ये जो मिसिंग आ रहा है इन्होंने किया ही नहीं है अभी तक इन बच्चों ने, तो हर बच्चे का आप एक सक्सेसिव परफॉर्मेंस, कौन सा असाइनमेंट किया है, कौन सा नहीं किया है, क्या है उसका एवरेज, सब कुछ आप यहाँ पे एक कॉमन इंटरफेस में देख सकते हैं। तो ये फ़ायदा है गूगल क्लासरूम का, हर बच्चे की रिपोर्ट यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं असाइनमेंट, कई बच्चे हैं, आयुष शर्मा कोई भी असाइनमेंट नहीं किया देखिए इसमें, तो इन बच्चों को आप
फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब इस डेस्कटॉप साइट को बंद कर देते हैं। सो दैट वॉज अबाउट हाउ टू रिटर्न द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड हाउ टू सी अ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट विद इन द डेस्कटॉप साइट ऑफ गूगल क्लासरूम थ्रू योर एंड्रॉयड मोबाइल फोन। सो अभी ये वीडियो की सीरीज़ ख़त्म होती है। अभी मैं एक दो वीडियोस और इसमें बनाऊंगा जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आती है, जैसे टाइपिंग प्रॉब्लम है मैथ्स वालों के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा या बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है गूगल फॉर्म बनाने के लिए, उन चीज़ों के बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा। हिंदी के टीचर्स हैं, संस्कृत के टीचर्स हैं, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकते हैं उसके बारे में कुछ मिसलेनियस वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। इस बीच अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है गूगल फॉर्म बनाने के लिए, आप स्नैपशॉट भेज के या जैसे भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू एज फार एज आई कैन। ओके, होप सो यू आर लर्निंग बाय दीज वीडियोज एंड गुड लक डियर टीचर्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।